बहुत ही शुभ और लकी प्लांट है। इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है और इसे घर का पहरेदार कहा जाता है क्योंकि ये। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने इस प्लांट को बड़े बड़े घरों, बंगलों के मेन गेट के दोनों साइड लगे हुआ देखा होगा। ये मोर पंखी है जिसे थुजा भी कहते हैं। लोकल भाषा में इसे विद्या का प्लांट भी कहा जाता है। बच्चे अक्सर इसको पत्तियों को किताबों में रखते हैं ताकि खूब विद्या आए। हमने भी बचपन में ऐसा बहुत किया है। आप लोगों ने भी ऐसा किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है और इसे घर का पहरेदार भी कहा जाता है। तो आज हम मोरपंखी की केयर, इसे कैसे ग्रो किया जाता है, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, इसकी मिट्टी, सनलाइट, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी टोपियारी भी बहुत सुंदर बनती है। इसको अधिक घना करने के लिए इसकी टाइम टाइम पर प्रूनिंग करनी चाहिए। आपने देखा होगा गार्डन और पार्क में इसके माली लोग बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। मेरा ये प्लांट 5 साल पुराना है और मैं इसको छोटा और घना बनाने के लिए टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। मैंने इसकी टोपियरी बनाने की कोशिश की है। बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। ज़मीन में लगाएं तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में लग जाता है। इसे इतनी ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन गमले में लगाएं तो इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं और इसे पानी ज़्यादा ना दें। मैंने भी अपने प्लांट की टोपियारी बनाने की कोशिश की है, एक ऊपर ऐसा बॉल जैसा और एक नीचे ऐसे सर्कल में बॉल जैसा। तो सॉइल मिक्सचर की बात करें तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं इसकी, जिसमें पानी ना रुके, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। इसे ज़्यादा पानी ना दें लेकिन मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहना चाहिए, मतलब मिट्टी में नमी रहनी चाहिए। सनलाइट की बात करें, ज़मीन में लगा है तो फुल सनलाइट में भी आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन गमले में लगा है तो कम से कम 3-4 घंटे की इसे धूप दें, लेकिन चिलचिलाती धूप में इसे ना रखें। आसानी से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। जॉनी को देखो, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरी मिट्टी देखिए कितनी वेल ड्रेन है। साल में इसे 2 बार खाद दें। मैं फरवरी और अक्टूबर में अपने सभी प्लांट को खाद देती हूँ। मेरा ये थोड़ा सा प्लांट डल सा है क्योंकि अभी सफ़र करके आया है, तो आज इसे मैं खाद देने लगी थी। तो खाद देने के लिए सबसे पहले इसकी आधी मिट्टी मैं निकाल लूँगी, किनारे किनारे से, रिम के किनारे से पूरी मिट्टी इसकी निकाल लूँगी। कम से कम ये 4-5 इंच की मिट्टी को मैं निकाल लूँगी, तो इससे इसकी रूट प्रूनिंग भी हो जाती है। अभी इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसे अक्टूबर में किया था रिपोर्ट, तो अभी इसको नहीं करूँगी। सिर्फ इसको मैं खाद दे रही हूँ। खाद देने का तरीका यही है, चाहे आपके पास कोई भी प्लांट हो उसकी यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो रिम के किनारे किनारे से अच्छी तरह से मिट्टी को खोद के उसकी मिट्टी को निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने इतना निकाल लिया, कम से कम मेरा ये 1 बित्ता गहरा कर दिया है। इसको मैंने चारों तरफ से निकाल ली है इसकी मिट्टी, और जो छोटी छोटी सी इसकी जड़ें भी कट गई हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2 मिट्टी इसमें डाल दूंगी वर्मी कंपोस्ट। जितने भी लीव्स वाले प्लांट हम ग्रो करते हैं दोस्तों, ये देखो कितना थिक है, 5 साल का हो गया है ये मेरा प्लांट। तो हम लीव्स के लिए जितने प्लांट ग्रो करते हैं तो उन्हें नाइट्रोजन बहुत पसंद होता है। तो जितने भी आपके लीव्स वाले प्लांट हैं जिनको हम फोलियस के लिए, ग्रीनरी के लिए लगाते हैं, तो उन्हें आप नाइट्रोजन दीजिए। नाइट्रोजन किस में होता है? काउडंक, वर्मी कंपोस्ट। काउडंक और वर्मी कंपोस्ट में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि आपके पास में काउडंक नहीं है और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है तो आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 वो दे सकते हैं बस, और इसकी और कोई केयर नहीं करनी है। मैं इसको थोड़ा सा ये ट्रिम कर रही हूँ ताकि इसका, क्योंकि अभी ये फेब्रुअरी ग्रोइंग सीज़न है इसका, तो ये देखिए मैं इस तरह से खाद डाल दे रही हूँ इसमें। मेरा हाथ छोटा है ना तो इसलिए मैंने इस तरह 2 हाथों से लिया, इसके रिम के किनारे किनारे डाल दूंगी। बस इसका यही तरीका है। आप किसी भी प्लांट को यदि खाद दे रहे हैं तो इसी तरह से दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से पानी दे देंगे। गर्मियों में इसमें पानी की मिस्टिंग करते रहिए, मतलब छिड़काव, उससे इसको बहुत अच्छा लगता है, नहलाना जिसे कहते हैं प्लांट को। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो इसमें थोड़ा पानी रुके, इसलिए मैंने ऊपर से 2-3 इंच गमले को खाली रखा है, तो ऐसा करने से अच्छा होता है। अब सवाल है कि इसे कैसे लगाया जाता है,
तो इसे कटिंग से भी लगाया जा सकता है और बीज से भी ये लगता है। इसमें छोटे छोटे से इसमें गोल गोल से बीज निकलते हैं। मेरे पास देखिए दो प्लांट है। इसको जब भी लगाएं जोड़े में ही लगाएं, क्योंकि इसे जोड़े में ही लगाना शुभ होता है। फरवरी मंथ चल रहा है और सभी प्लांट का ग्रोइंग सीजन है। ये सर्दियों में थोड़ा सा कम ग्रो करता है, यानी कि डोरमेंसी में होता है, तो अब बेस्ट सीजन है। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बीज से भी लगता है, कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप नर्सरी से तैयार पौधे लाके लगाएं। अच्छा, इसमें दो प्रकार की वैरायटी होती है। ये देखिए, एक ऐसा घना वाला होता है, इसमें जो बहुत घनी घनी पत्तियाँ होती है, और एक ऐसा ये बिखरा बिखरा सा। तो ये मेरा थोड़ा सा ऐसा नकली तो नहीं कह सकते, लेकिन जिसकी उसकी शेप अच्छी नहीं आती, और जो ये वाला इसकी शेप बहुत ही अच्छी आती, घना घना सा बुशी सा लगता है, और इसमें एक गोल्डन सी वैरायटी भी आती है। तो आप जब भी लें तो ध्यान रखें। ये देखिए, मैं कंपेयर करके दिखा रही हूँ, जो ये वाला है देखिए घना घना सा है, इससे इतना अच्छा बुशी सा बनेगा इसका टोपियारी, उसका शेप भी बहुत सुंदर बनेगा। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, ये मेरा थोड़ा सा ऐसा फैला फैला सा, इसकी टोपियारी बनाने की कोशिश की, लेकिन देखिए ढंग से नहीं बनी है। तो जब भी लें तो ध्यान से लें। ये देखिए हल्की हल्की सी, मतलब घनी नहीं होती, और ये बहुत घना होता है, और एक इसमें गोल्डन सा कलर होता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो वो नहीं है मेरे पास में, तो आप इस तरह से चेक करके ही लें। ये देखिए ये वाले, इसकी बहुत ही सुंदर लगता है, इसको सीधा सीधा भी लगा सकते हैं, इस तरह से आप टोपियारी बना के भी लगा सकते हैं। इसको जब भी लगाएं जोड़े में लाएं, और अपने घर के मेन गेट के दोनों साइड ही लगाएं। ये बहुत ही शुभ और लकी प्लांट है, इससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, और इसे घर का पहरेदार कहा जाता है, क्योंकि ये घर में नेगेटिविटी को आने नहीं देती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों के पास नहीं है तो अभी बेस्ट सीजन है, आप इसे लाएं और लगाएं। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसकी कई दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उसकी इतनी अधिक मुझे जानकारी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को लीव्स दिखा रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। वो आप जब जाएंगे ना तो अलग से ही दिखेगा, बहुत ही सुंदर सा और बड़ा प्यारा सा लगता है। तो मुझसे एक तो ख़राब वाला आ गया, ख़राब तो नहीं, खैर चल रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग ध्यान से ही खरीदें, ये कुछ इस तरह से। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो डे है सब्सक्राइब करें, और पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे अपनी कमियों का पता लगता है। तो मेरा हौसला बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय बाय।